गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश क्लास। आज हम सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। लास्ट पीरियड में हमने सेक्शन ए तक पढ़ लिया है। नाउ सेक्शन बी के अंदर एक पैराग्राफ होते हैं और पैराग्राफ के बाद क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सवाल के जवाब आपको वो पैराग्राफ के अंदर से ही ढूंढने हैं। जैसे और दूसरी बात ये कि आपको सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। सवाल लिखने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। जैसे मैंने पहला पेपर आपको लिखवाया था स्कूल में, वैसे ही आपको सेकंड पेपर लिखना है। तो आपको मेथड ऑलमोस्ट पता ही होगी, फिर भी मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, किसी के भी सवाल नहीं लिखने हैं। तो आप आंसर 19 करके पहले और हाँ, मेन बात ये कि न्यू सेक्शन न्यू पेज पर, ओके। नया सेक्शन होता है तो भले आपके लास्ट पेज में कितनी भी जगह बची हो, लेकिन हमें सेक्शन बदलता है तो नया पेज लेना ज़रूरी है। अब 19 में है, डिड क्वेश्चन पढ़ेंगे। डिड वॉल्ट सक्सीड इन हिज फर्स्ट एनिमेटेड कार्टून कंपनी। तो आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, और वॉल्ट वाले चैप्टर में भी है कि वॉल्ट अपनी जो कार्टून कंपनी बनाने में असफल रहा, ठीक है। तो इसमें आएगा नो। 20 में हाउ मच मनी डिड वॉल्ट बोरो फ्रॉम हिज अंकल माइक। तो वॉल्ट ने कितने पैसे अपने अंकल से खरीदे, तो मैंने पैराग्राफ में अंडरलाइन किया है, वी की जगह हम लिखेंगे वॉल्ट। वॉल्ट बोरोड $500 फ्रॉम एन अंकल। ये आएगा आपका 20 का आंसर, राइट। नेक्स्ट है 21। देखो अब बाकी पैराग्राफ्स है तो उसमें से आपको दिमाग चलाना है अपना, और पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के लिखना है, ओके। तो 24 तक आपको यही चीज़ करनी है, अपनी नोटबुक में लिखना है। नाउ कम टू 25, ओके। 26 तक आपको यही चीज़ करनी है। 27 और 28 भी पैराग्राफ में से सवाल पूछे गए हैं। अब आ जाओ शॉर्ट नोट पर। अब आपको शॉर्ट नोट आती है, राइट शॉर्ट नोट्स फोकसिंग ऑन द क्वेश्चंस एनी टू, ठीक है। आपको चार शॉर्ट नोट दी गई होगी, उसमें से कोई भी दो शॉर्ट नोट लिखनी है। ये आपका 29 और 30 वाला क्वेश्चन होगा। 29 भी आपका जो आंसर है वो शॉर्ट नोट होगी, और 30 भी शॉर्ट नोट होगी, लेकिन ये चार शॉर्ट नोट आपको दी गई है, उसमें से आप कोई भी दो लिख सकते हो। तो फर्स्ट शॉर्ट नोट है आपकी, और 3 मार्क्स की एक शॉर्ट नोट है, वैसे ही दो शॉर्ट नोट के हो गए 6 मार्क्स। अब शॉर्ट नोट लिखने में आपको थोड़ी टिप्स बताऊंगी मैं। जैसे कि पहली शॉर्ट नोट है वॉल्ट्स जर्नी फ्रॉम हॉर्स टू माउस। मैंने आपको जब आप स्कूल आ रहे थे तो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के सवाल लिखवा दिए थे, राइट। वो शॉर्ट नोट बहुत ही मोस्ट IMP है। हर साल वही शॉर्ट नोट में से आपको शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है, इसलिए आप वो लर्न बाय हार्ट कर लेना। और वो शॉर्ट नोट आई होप आपने लर्न कर ली होगी, तो इसमें से कोई भी दो शॉर्ट नोट आप आपको इसमें से कोई भी दो शॉर्ट नोट लिखनी है, आपके पास ऑप्शन है ऑलरेडी, राइट। तो आगे बढ़ते हुए दो शॉर्ट नोट आप लिख लेना। और नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में ब्रैकेट दिए गए होते हैं, तो उसमें से आपको आंसर्स ढूंढ के लिखने हैं। जैसे कि I dash my energy ऑन अ फेवरेट पास्ट टाइम, तो I focused, ठीक है। 31 में आएगा focused। अगर आपके पास पूरा लिखने का टाइम नहीं है तो आप डायरेक्ट 31 करके आंसर लिख दोगे focused। 32 का आंसर आएगा I was able to dash work, ठीक है। I was able to produce work, ठीक है। और लास्ट है Although I was not in physical dash, तो physical control। 33 में आएगा control, डायरेक्ट आंसर लिखोगे। नाउ मूविंग ऑन सेक्शन सी। सेक्शन सी भी न्यू पेज से हम स्टार्ट करेंगे। अब इसमें भी पैराग्राफ दिया गया है और उसके नीचे सवाल आते हैं, तो उस सवाल के जवाब ढूंढ के आपको लिखने हैं। नाउ 39। 39 में आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट इट्स समरी, ओके। ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू इट। अब इसमें हमें समरी बनानी है। समरी मतलब छोटा करना है, पैराग्राफ को छोटा करके लिखना है। सपोज पैराग्राफ को कितना छोटा करना है, आप सोच रहे होगे कि पैराग्राफ जितना बड़ा हो उसमें से एक तिहाई 1/3 आपको करना है। जैसे कि 4-5 लाइन है तो आप 3 लाइन ही लिखोगे उसकी, राइट।
सो आप कैसे करेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट इट समरी, ऑल्सो सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, और उसके ऊपर हमें शीर्षक टाइटल भी देना है। वो पैराग्राफ को पढ़कर उस पर कौन सा टाइटल सूट हो रहा है वो सोच कर आपको टाइटल देना है। बाज़ अवकात ये होता है कि आप लोग समरी तो कर लेते हो, पैराग्राफ को छोटा तो कर देते हो, लेकिन टाइटल देना भूल जाते हो, तो वहीं आपके 3 मार्क्स कट हो जाते हैं। टाइटल के अच्छे खासे मार्क्स होते हैं, इसलिए आप पहले टाइटल दोगे और फिर आपकी समरी लिखोगे। तो यहाँ पर मैंने आंसर में देखो लिखा है, टाइटल पहले दिया है, टाइटल करके लिखना है बचेंद्र इज़ न्यू वाइगर, ये उसके ऊपर है इसीलिए मैंने ये टाइटल दिया है। उसके बाद नीचे समरी दे हेडिंग देनी है और आपको पूरी समरी लिखनी है। अब समरी में आप क्या करोगे, आप एक शॉर्टकट बता सकती हूँ कि आप पहली लाइन लिख दो, फिर बीच की एक लाइन लिख दो और लास्ट की एक दो लाइन लिख दो, तो ये आपका हो जाएगा 1/3, राइट। सो पहली लाइन लेकिन अधूरी नहीं लिखनी है, जहाँ पे फुल स्टॉप ख़त्म होता है वहाँ तक आपको लिखनी है। चलो तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिर से पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ के नीचे सवाल दिए गए हुए और उसके जवाब आपको पैराग्राफ के अंदर से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है पोयम, पोयम के नीचे भी मैंने क्वेश्चंस है और आंसर्स लिख दिए हैं। सो यहाँ पर आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट होगा सेक्शन डी, जो ग्रामर पार्ट होगा वो नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके okay?